पापा अभी तक तो आपका बेटा जिंदा है, और अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो आप इनकी बात मानिए, और जैसा ये बोल रहे हैं आप वैसा ही करिए, नहीं तो आप मुझे खोदोगे। पुलिस की और किसी की बातों में मत आना, नहीं तो मेरी जान को खतरा है। अपने पिता से किडनैपर्स की बात मानने की बात कहने वाले इस इंजीनियर को रिहा कराने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में राजनगर एक्सटेंशन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इस अगवा एचसीएल के इंजीनियर को आखिरकार रिहा करा लिया। अब जरा उसकी भी बातें सुनिए जिसने इंजीनियर को 23 मई की रात अगवा कर लिया था। जी, ये हरिद्वार जाना चाहता था राजनगर एक्सटेंशन से, और वहाँ पे एक हमारा भी हरिद्वार की सवारी बन करके खड़ी थी, तो उसने कहा कि मैं भी हरिद्वार जाऊँगा, और आगे हमारी एक सेंट्रो गाड़ी वैगनार गाड़ी खड़ी थी, जिसमें उसको ये कहा कि ये गाड़ी वैगनार वहीं जाएगी हरिद्वार। उसमें दो वे हो गए और एक सवारी मैं, यानी तीन सवारी होकर लेकर के ड्राइवर चल दिया। कुछ दूरी से जा करके हमने उसको तमंचा पिस्टल से कान पे लगा दिया और बोले कि जो भी आपकी जेब में है वो दे दो। गैंग के बदमाश रिंकू के मुताबिक उनके पास कई गाड़ियां थी, सवारी बिठाने के बाद वो गन पॉइंट पर लूटपाट करते थे, फिरौती वसूलते थे, साथ ही उन्हें नशे का इंजेक्शन भी लगाते थे। जी, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करते थे दूर दूर जा करके, हरियाणा राजस्थान जैसे। मर्डर भी किया किसी का? जी सर, मर्डर किसी का नहीं किया है हमने। तुम्हारे गैंग ने तो किया ना मर्डर किसी का? नहीं, सबको सिर्फ नशे की नींद की गोली देते थे, बस उसी हालत में उसको छोड़ देते थे। जिसके पास एटीएम मिलता था उसको रख लेते थे, बाकी को छोड़ देते थे। जी, 5 से 7 इसको अंजाम दे चुके हैं हम लोग। जी, किडनैपर का कहना है कि वो लोग पकड़े जाने के डर से व्हाट्सएप के जरिए कॉल करते थे। व्हाट्सएप का क्या चक्कर है, व्हाट्सएप से क्यों बात करते थे? जी, वो जो हमारे में एक होशियार आदमी था, वो उसका कहना ये था कि व्हाट्सएप ट्रेस नहीं होती है। अच्छा। तो इसलिए 2-4 मिनट में वो करके बंद कर देता था। आपके गैंग में कुल कितने लोग शामिल हैं? जी, सिर्फ 3 लोग शामिल हैं। कैमरे पर अपना जुर्म कबूल करने वाले इस आरोपी की हिम्मत तो देखिए, बड़े आराम से दावा कर रहा है कि उसके गैंग में पुलिस वाले भी शामिल थे। जी, हमारा सिर्फ सिहानी में सचिनहर से, इरसादहर से और कोसीघर से शरद का ताल्लुक था। इनके जरिए थोड़ा सा हमें पता पड़ जाता था कि क्या थाने के बीच हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब ये जो थाने की पुलिस कर्मी है, इनसे आपके गैंग का संपर्क था? जी। कौन कौन थे उनके नाम? जी, इनके नाम था सचिन सर, कौशिक सर और इरसाद सर। ये लोग आप लोग को पूरी मुखबरी करते थे कि कैसे क्या हो? जी, मुखबरी का तो नहीं, लेकिन ये व्हाट्सएप के जरिए हमारा एक आदमी इनसे डेली बात करता था, डेली मिलने आता था, डेली मिल करके जाता था। अच्छा, रिंकू ये शख्स है जिसको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस वक्त गिरफ्त में भी है और पूरा खुलासा कर रहा है किस तरीके से शातिर गैंग था, जिसको ये भी मालूम था कि व्हाट्सएप कॉल जो है वो ट्रेस हो सकती है, इस वजह से व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी। और सबसे बड़ा खुलासा ये कि इस गैंग के संपर्क में कई पुलिस वाले भी थे। देखिए, ये राजीव नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो एचसीएल में काम करते हैं, और थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में प्रहलादगढ़ी करके गांव पड़ता है, वहाँ पे इन्हें रखा गया और करीब 7 दिन बाद इनकी बरामदगी हो पाई। और काफ़ी टफ ये केस था जिससे कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने वर्कआउट किया है। बदमाशों की निशानदेही पर इंदिरापुरम इलाके से इंजीनियर राजीव को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस गैंग को पकड़ने के बाद कुछ और मामलों का खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस निकली तो थी एक इंजीनियर की किडनैपिंग केस को सुलझाने के लिए, लेकिन इस जांच में किडनैपिंग केस के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। और हमारे सामने आप देख पा रहे हैं जो इंजीनियर, उसको यूपी पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन ये दवाइयां बरामद हुई हैं, नशीली दवाइयां हैं। और जो किडनैपर्स थे वो बाकायदा जब इंजीनियर को किडनैप करके रखते थे तो उसके बाद ये जो दवाइयाँ हैं और जो ये तमाम इंजेक्शन मिले हैं इसके जरिए वो इंजीनियर को बेहोश कर देते थे, उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर उसको ले जाया जाता था। 23 मई को अगवा किए गए एचसीएल के इंजीनियर राजीव को छोड़ने के एवज में इन बदमाशों ने उसके परिवार से 15 लाख की फिरौती मांगी थी।
पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश राजनगर एक्सटेंशन में है। पुलिस ने इन्हें रोकना चाहा तो इन्होंने पुलिस पर ही फायर कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी अरुण और मनीष घायल हुए हैं। चौंकाने वाली बात है कि ये जो गैंग है ये किडनैपिंग करता था, उसके बाद रैमसम लेता था, उसके बाद हत्या भी कर देता था सबूत मिटाने के लिए, ताकि सुराग पूरी तरीके से मिट जाए और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाए। कई गाड़ियां बरामद की हैं, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो है ये गिरफ्तारी हुई है। दो लोगों को गोली लगी है, जो दो अपराधी हैं, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक अपराधी है जिससे फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है।